खरगोन जिले में बिजली विभाग ने विद्युत उपभोक्ता निवारण शिविर की बैठक आयोजित की, जिसमें विद्युत संबंधित समस्याओं को लेकर उपभोक्ताओं ने अपनी परेशानियों से अवगत कराया। इस दौरान आयोजित शिविर में स्थानीय विधायक रवि जोशी भी पहुंचे और उपभोक्ताओं की परेशानियों को समझकर समस्या से निजात पाने के लिए उचित मार्गदर्शन दिया। वहीं मीडिया से रूबरू विधायक ने बताया कि शासन की मंशा अनुरूप योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो और निचले तबके तक के लोगों को लाभ पहुंचे, इस बात का शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें निश्चित तौर पर लोगों में जन जागृति आएगी। इस मौके पर अधीक्षक श्रीकांत बारस्कर, समाज सेवी अल्ताफ आजाद, मोहन पाटीदार सहित सदस्य मौजूद थे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। विधायक जी को तो मैं एकदम बड़े मायने से मानता हूँ हर बार, और जो भी चीज रहती है, जो भी शहर के विकास के लिए, विधानसभा के विकास के लिए, जिले के विकास के लिए जो भी चीज लगती है, मैं डायरेक्ट फोन करके बोल देता हूँ कि भैया चाहिए और इसके पीछे पड़ना आपको। तो विधायक जी का बड़ा अच्छा सहयोग रहा हमें। एक अत्यंत खुशी की बात है कि ये 3.15 बड़ा ट्रांसफॉर्मर, इस ग्रिड पर अभी तक एक ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मर 3.15 का एक और सेंक्शन हो चुका है, तो उसका भी काम विधायक जी के सहयोग से ही हुआ। बिना विधायक जी के सहयोग से वो सेंक्शन नहीं हो पाता। किसान का गरीब का जरूरत मंद का फिर अगर उसकी राशि का अनुपात पता आता है तो शिविर के माध्यम से उनके बिलों को कम किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि शासन की सारी लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को मिले, पैसा मिले, इसके अंतर्गत ऐसे शिविरों का आयोजन करते हैं। और मैं चाहता हूँ अभी तो ये शिविर एनसीपी का ऑफिस में लग रहा है, लेकिन शहर के चार फोन बना के 35 वार्डों को चार भाग में बांट के आम जनता के बीच ये कमेटी को भेजे, एमपीपी के अधिकारियों को भेजे, इसमें जनता के बीच विश्वास जागेगा कि हमारे बिल अधिक नहीं आते हैं, हमारे बिल अगर अधिक आते हैं तो हम करने की भी प्रक्रिया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।